घर के अंदर चूल्हे में पानी भर गया सर, बताइए खाना कैसे बनेगा? क्या लंच पैकेट नहीं पहुंचा रहा है प्रशासन? कुछ नहीं पहुंचा। हर सड़कों का बहुत बुरा हाल है, लोग चलने से भी डर रहे हैं। कुछ नहीं, सुबह से खाली चाय पी रहे हैं हम यहाँ। कई दिन से भूखे हैं लोग। डर लगता है सर, तो क्या करेंगे हम लोग, मजबूरी है। बिल्कुल खराब स्थिति है, देख ना पोजीशन में कब ढह जाएगा, इसमें कोई ठीक नहीं। हम अपने बैग स्कूल में छोड़ कर रहते हैं, आजकल पेपर है इसलिए हम बैग नहीं लाते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। देश के आठ राज्य, जी हां, देश के आठ राज्यों में बारिश ने जमकर तबाही मचा रखी है। बारिश से बेहाल उत्तर भारत की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आठ राज्यों के लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों लोगों के आशियाने पानी में डूब गए हैं, तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पहाड़ी इलाके हो या मैदान, हर जगह आसमानी आफत बरस। पहाड़ों पर इन दिनों आसमान से पानी नहीं आफत बरस रही है, वो भी ऐसी आफत जिसके सामने जो आए वो तिनके की तरह बह जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं और इस तरह से आना जाना यहाँ के लोगों की मजबूरी है। जरा सी लापरवाही और महज सेकंड में जिंदगी खत्म, लेकिन फिर भी जोखिम उठा रहे हैं क्योंकि इस आफत की बारिश में उत्तरकाशी के सभी छोटे बड़े पुल बह गए हैं और प्रशासन अभी तक इन इलाकों में मदद के लिए नहीं पहुंचा है। गांव में भी बहुत बुरे हाल हैं लोगों के, किसी के मकान के पीछे से सारे दीवारें टूट रखी, किसी के आगे से टूट रखी है, बहुत मतलब बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। दिक्कत बहुत है सर, यहाँ से डिगला से सारी रोड जाने वाली है, ऊपर भी यहाँ स्कूल था वहाँ से भी बहुत ध्वस्त हो रखी रोड, और उससे ऊपर जहाँ पे ट्रोली है वहाँ भी बहुत खतरा है। मसूरी में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर की अधिकांश सड़कें भारी बारिश के बाद टूट गईं। टिहरी उत्तरकाशी का मुख्य मार्ग एक हफ्ते से पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह कुल्लू इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से नीचे आ रहे पानी ने कुल्लू शहर में कोहराम मचा दिया है। सरबरी और व्यास नदियां उफान पर हैं और उसके पानी से कुल्लू बस स्टैंड के आसपास पानी की झील सी बन गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए निचले इलाके को खाली भी करा लिया गया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं। इन तस्वीरों से बाढ़ और भारी बारिश के बाद हो रही परेशानियों को बखूबी समझा जा सकता है। स्कूली बच्चे जान हथेली पर लेकर स्कूल जाने को मजबूर हैं और बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी खतरों से खेलना पड़ रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में चिनाब अब तक के सबसे रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए नदी से सटे अखनूर और दूसरे निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे बेहद चेतावनी भरे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में भी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। तो
ऐसी स्थिति में जो लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खास करके जो यहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बाढ़ की बात करें तो बिहार सबसे प्रभावित है। बिहार के सहरसा, खगड़िया, मोतिहारी और दरभंगा जिलों में इस समय बाढ़ से सबसे ज्यादा हालात खराब है। यहाँ पर कोसी नदी एक बार फिर अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रही है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई छोटे बड़े तटबंधों को खतरा पैदा हो गया है, जिसको लेकर अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। खगड़िया में कोसी और गंडक नदियां मिलकर कहर बरसा रही हैं। पानी के बढ़ते जल स्तर के चलते इलाके के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और वहां पहुंचने का एकमात्र जरिया सिर्फ नाव ही रह गया है। पूर्वी चंपारण में भी पानी के बढ़ते जल स्तर के डर से मोतिहारी के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद जारी अलर्ट को देखते हुए सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रशासन ने 18 कैंप भी बनाए हैं। वैशाली में भी दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल से हजारों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे रात को भी लोग डर के साए में सोने को मजबूर हैं। बिहार के शोक के नाम से प्रसिद्ध कोसी नदी के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी से सहरसा के लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि डरने की कोई बात नहीं है। वहीं कटिहार में उफंती नदी से घबराए लोगों ने तटबंध ही तोड़ डाला। तटबंध तोड़कर गांव के लोगों ने पानी के बहाव को गांव के अंदर आने से रोका। कोसी नदी के प्रकोप का डर इतना है कि उसे शांत करने के लिए महिलाएं अपना पुराना तरीका अपना रही हैं। लेकिन लगता नहीं है कि कोसी नदी फिलहाल इस गीत और मान मनोबल से शांत होने वाली है। दिन ब दिन कोसी नदी के पानी का दायरा बढ़ता जा रहा है। मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाना पड़ रहा है। दिक्कत हो गया, बाढ़ पीड़ित का हो गया, पुल नहीं है सही। अगर पुल रहता तो यहाँ से वहाँ तक हम लोग पैदल जाते हैं। अब सबको इसी उधेड़बुन में फंसा है कि जाएं तो जाएं कहाँ, ये समझ में नहीं आता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चंबल अपने उफान पर है, जिसके चलते नगदा में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नगदा का चामुंडा मंदिर नदी में जलमग्न हो गया है। लोग जब मंदिर पहुँचे तो वो नदी में डूबा हुआ दिखाई दिया। इधर उत्तर प्रदेश में भी गंगा नदी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। कानपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ नदी में कटान भी तेज हो गया है। अगर गंगा का जल स्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में आसपास के गांवों को डूबने का खतरा हो जाएगा। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ से बुरे हालात हैं। अब तक जिले के 25 गांव बाढ़ के पानी में समा गए हैं, जबकि 140 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सूबे के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए। यूपी के जौनपुर में भी भारी बारिश के बाद एक सरकारी अस्पताल में पानी भर गया, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असम का भी बाढ़ से बुरा हाल है। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने का लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे को देखते हुए वन विभाग की टीम ने कई जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर पानी भर गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के नीचे का पूरा इलाका पानी से भर गया। वहीं तेज बारिश और हवाओं के चलते
अंधेरी पश्चिम में सड़क किनारे खड़ी कार पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। राहत की बात यह रही कि उस वक्त कार में कोई सवार नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।